आज की क्लास में हम स्टैटिकल फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज की फॉर्मूले में, राइट सर। एवरेज क्या करता है? और इससे पहले यहाँ पे एवरेज डी का फॉर्मूला है, तो नॉर्मली तो एवरेज पता ही क्या करता है। एवरेज जो है एवरेज निकालता है सिलेक्टेड एरिया में, जो कि मैथमेटिकल फंक्शन सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाई काउंट ऑफ द वैल्यू करता है। ये केस में होता है एवरेज ए का फॉर्मूला। एवरेज ए का फॉर्मूला एवरेज ऑल निकालता है, मतलब इसमें नेगेटिव एंड इसकी जो ट्रू है, ट्रू को वन एंड फॉल्स को जीरो समझती है, ठीक है। ट्रू को वन एंड फॉल्स को जीरो समझती है। तो यहां देखिए आपका एवरेज घट गया, बट एवरेज नॉर्मल नहीं रहता है। फिर आता है आपका एवरेज ऑफ डेविएशन, एवरेज ऑफ डेविएशंस। तो एक मिनट, एवरेज ऑफ डेविएशन के बारे में बताता हूँ क्या करता है। हालांकि लगाने का फॉर्मूला तो सिंपल है कि आप यहाँ पे AVD कर रहे। अब एवरेज ऑफ डेविएशन पता है क्या होता है मैथमेटिक्स में? उसका डेविएशन पॉइंट निकालना। हाँ, डेविएशन पॉइंट नहीं सर, वो तो अलग चीज हो गई। एवरेज और डिविएशन क्या करता है? हालांकि हम लोग इसको अपने हिंदी मीडियम में पढ़े थे, तो एवरेज और डिविएशन के लिए सबसे पहले तो हम जो नंबर्स होते थे उसकी एवरेज निकालते थे, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूला का डेफिनेशन देखिए क्या है। ये है आपका रिटर्न द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन ऑफ द डेटा पॉइंट फ्रॉम द मीन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। उसके बाद हम इस एवरेज स्कोर में से एवरेज को माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस करने के बाद कुछ वैल्यू नेगेटिव, कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं एब्सोल्यूट का, एबीएस का, जो कि नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता है। फिर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी जो एवरेज है वो हमारा एवरेज ऑफ डेविएशन कहलाता है। ओके सॉरी, एवरेज, एवरेज करना पड़ेगा, एवरेज। देखिए सेम एकदम एग्जैक्ट। अब ये माइनस में आया हुआ, तो माइनस इसलिए आया क्योंकि फॉर्मूला से पहले हमने माइनस लगा दिया था, ठीक है। उसी तरह से मैक्सिमम मिनिमम है। नॉर्मली तो मैक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू निकाल देती है, जैसे मैक्स फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू निकाल रही है, मीन आप देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू निकाल रही है। और इसी में अगर हम यहाँ पे करते हैं मैक्स, आप जैसे दिख पा रहे हैं आपको मैक्स ए, मैक्स ए भी मैक्सिमम और मिनिमम का ही काम करता है, लेकिन ये ट्रू को वन एंड फॉल्स को जीरो करता है। ट्रू को वन एंड फॉल्स को जीरो करता है, ठीक है। फिर यहाँ काउंट के दो तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहले काउंट, जो कि नंबर को काउंट करता है। फिर आता है हमारे पास काउंट ए, काउंट है या काउंट ऑल इसको कहा जाता है। तो टेक्स्ट को, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। अगर मान लीजिए नेम को काउंट करना हो तो काउंट वर्क नहीं करेगा, काउंट ए ही लगाना होगा, ठीक है। फिर आता है काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक जो सिर्फ ब्लैंक ब्लैंक को काउंट करता है, बाकी को काउंट नहीं करता। हम्म। अब बात करते हैं लार्ज फंक्शन की। देखिए मैक्सिमम तो लगा लेते हैं, मैक्स फॉर्मा लगाया मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और मिन लगाया मिनिमम वैल्यू आ गई। लेकिन मुझे टॉपर चाहिए भाई, पहला 90 के बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, टॉप 5 मुझे चाहिए। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं फॉर्मूला लार्ज का। लार्ज, लार्ज फॉर्मूला, हमने सिलेक्ट किया अपने डेटा को और हमने सिलेक्ट किया नंबर को, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए, देखिए यहां पे 90 आ गया। नीचे ड्रैग कीजिए, तो 90 से छोटा 89 है, इससे छोटा 87, इससे से 85, इससे छोटा 82 है। सेम उसी तरह से अब मैं यहाँ पे स्मॉल का फॉर्मूला लगाता हूँ। स्मॉल जो आप देखेंगे वो क्या करेगा, इसका स्मॉलेस्ट पॉइंट निकाल दे, इसका स्मॉलेस्ट पॉइंट, और उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हमारे पास रैंक थी,
तो हमने स्मॉलर लार्जर स्मॉलेस्ट निकाल लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे पास नंबर है, जैसे मैं यहां 20 नंबर का रैंक पता करना चाहता हूं, इसका रैंक क्या, मतलब कि इस टेबल में इसका कौन सा नंबर होगा। तो हमारे पास ओके, रैंक का फॉर्मूला है, रैंक रैंक सॉरी रेट हो गया यहां पे, रेट रैंक रैंक का फॉर्मूला लिया। रैंक में हमने नंबर को सिलेक्ट किया, किसका रैंक निकालना है, रेफरेंस लिया कौन सा, और यहां आपको लार्ज वाले पे या स्मॉल वाले पे चाहिए, मतलब सेंडिंग और डिसेंडिंग। फिलहाल हम सेंडिंग कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि 3 आ गया, मतलब मैं यहां देखिए 3 में 20 आ गया ना सर। अगर मैं यहाँ पे 33 करता हूँ तो 11 आएगा, तो मतलब कि मैं यहाँ 11 डालूंगा 33 आएगा, आ गया 33 सर। फिर यहाँ पे एक रैंक एवरेज होता है, एक और आता है हमारे पास रैंक एवरेज। रैंक एवरेज क्या होता है, जैसे नंबर डुप्लीकेट है, डबल टाइम है, तो उसमें पॉइंट्स में दिखा देगा आपको। देखिए यहाँ पे 11.5 दिखा, 11 दिखाया क्योंकि 33 एक ही बार है। मैं यहाँ पे 33 को रिपीट कर देता हूँ, आ गया सर। ओके और फिर एक आता है रैंक इक्यू, इक्यू तो जैसे नॉर्मली नॉर्मल रैंक की तरह ही परफॉर्म करता है, इसमें कोई चेंजिंग ज्यादा नहीं है। सम टाइम किसी तरह के चीजों पे चेंज होता है, लेकिन उतना खास नहीं है जहां तक मेरा रिसर्च करता है। हो सकता है कोई रिसर्च ज्यादा किया होगा तो उसको इसके बारे में, ठीक है, क्लियर है। जी, अब हम बात करते हैं फोरकास्ट के बारे में। फोरकास्ट जैसे मेरे पास यहां मंथ 7 महीने का डेटा दिया गया है, अभी 7 महीने के बिहाफ पे मुझे जो है निकालना है 8वें महीने का सेल, तो यहां हम फोरकास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, फोरकास्ट फोरकास्ट हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे एक्स के कौन से महीने, और अपनी वैल्यू और अपना टाइमलाइन, एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने आ गया 32। तो फोरकास्ट की बहुत सारे, जैसे कि फोरकास्ट में एस्टिमेटेड है, यहाँ पे फोरकास्ट यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड दिखाएगा, इसमें आपको टारगेट डेट हमने सेलेक्ट कर लिया, वैल्यूज हमने सेलेक्ट कर लिया, टाइमलाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सीजनली यहाँ पर है आपका तो 1 डाल दीजिए, नहीं ईयरली है, और यहाँ पे भी आप 1 डाल दीजिए, चाहे छोड़ सकते हैं, इसको डालने की जरूरत है, डालना है तो डाल भी सकते हैं। तो ये देखिए आपका, तो इसको सबसे अच्छा होगा कि आप इसको सेलेक्ट कर ले, और डेटा मेनू बार के अंदर ही आपके सामने होता है लीनियर, तो ये फोरकास्ट होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, फोरकास्ट। फोरकास्ट जब क्लिक करते हैं तो पूछता है कौन से महीने का, तो हमने बोला कि हमें 12 महीने तक का फोरकास्ट चाहिए, वो ये 12 महीने का पूरा दिखा देगा। यहाँ देखिए यहाँ पे फोरकास्ट एस्टिमेट लगा दिया, ये आपका लोअर बाउंड है फोरकास्ट लगा दिया, आपका फोरकास्ट एस्टिमेट काउंटिफ, और फिर अपर में इसने भी आपने यहाँ पे प्लस करके सिम कर दिया हुआ है। तो ये सारे फोरकास्ट के सिर है हमारे पास, ठीक है। फोरकास्ट ओके लीनियर और फोरकास्ट मोस्टली सेम जैसा ही काम करता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इतने सारे डेटा है, अब मैं देखना चाहता हूं कि इसमें से 10 से 20 वाले कितने हैं, 20 से 30 वाले कितने हैं, 30 से 40 वाले कितने हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही ले, पूरा डेटा को सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट कर लिया, और मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया बाइनरी को, एंटर प्रेस कीजिए, सारा आ जाएगा। तो 10 से नीचे वाले 10 और 10 से नीचे वाले 2 है, और आपको जो है तो ये 10 से 20 से 0 से 10 होना चाहिए, इसलिए यहाँ गड़ा गया है सर, ठीक है ना। ओके
30 जो है, 30 और 20 के, 30 और 20 के बीच में जितने 28 है, 40 और 30 के बीच में जो है 8 है, और 40 के बाद टोटल 70 है। अब इसकी सत्यापित भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अगर लेस देन 10 करता हूँ और यहाँ पे काउंट इफ लगा देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को, सॉरी लेस देन इक्वल टू करना होगा। दो टाइम आ गया, यहाँ दो दिखा रहा है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ग्रेटर देन 40 कर देता हूँ, 70 दिखा रहा है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 साल की ईयरली सेल्स का ये दिया हुआ, अब मैं इस सेल्स को लेते हुए मैं अपना ग्रोथ निकालना चाहता हूँ, ठीक है? तो ग्रोथ का फॉर्मूला लगाइए, आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए सेल्स, सिलेक्ट कर लीजिए टाइमलाइन, और सिलेक्ट कर लीजिए अपना जो न्यू टाइमलाइन है वो एंटर प्रेस कीजिए, हर महीने की ग्रोथ आपको पता चल जाएगी, ठीक है? ओके क्लियर है। परसेंटाइल फॉर्मूले की हम बात करते हैं कि परसेंटाइल फॉर्मूला क्या वर्क करता है। अब मुझे इसमें, मुझे इसमें ये बताना है, ये पता करना है किसका ये जो डेटा है हमारा, इसका 30% जो है इसका क्या है, इसका 30%, ठीक है ना? तो मैं यहाँ परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाता हूँ। नहीं, वन टू नहीं लिखना बेटा, गलत है ये, गलत है यहाँ से, गलत है सब, गलत रूप में देखे लिखो। यहाँ परसेंटाइल फॉर्मूले पे आते हैं, परसेंटाइल, परसेंटाइल में हम सिलेक्ट करते हैं अपना डेटा, मेरा डेटा, और हमने अपना सिलेक्ट कर लिया परसेंटेज, तो यहाँ पे आपको 35 दिखाया, मतलब कि 35% जो है वो 30 से नीचे है, 30%। ओके, इसको आप देख सकते हैं कि इसका जो 30% ऐसे है जो कि 35 से नीचे है, समझे? ओके, आप इसको सत्यापित भी कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट इफ हमने लगाया और इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं लिख दिया लेस देन इक्वल टू 35, एंटर प्रेस किया तो 6 आया, और टोटल कितना है, तो टोटल आप देखेंगे 90। अब जो है यहाँ आप जो है 6 को डिवाइड कर दो 9, 9 को 3 में से देख लिखो, आ गया सर? राउंड फिगर 30 ही होगा, नहीं, एक मिनट, ये आपका हमारा हो गया 19, और ओके, हमने लेस देन इक्वल टू कर दिया ना सर, दिक्कत नहीं है। हाँ वही आपस में आता है, एग्जैक्ट नहीं आता, मतलब कि आसपास, पास स्टैटिक फॉर्मूला में एग्जैक्ट कुछ नहीं होता सर। ओके, और जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो वो भी इसी तरह से इसको बांटता है। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आइकन लगा दिया, आइकन लगा दिया ना, एक आइकन लगा दिया। अब इसकी आइकन पे हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसको 3 भागों में बांटा हुआ है, पता है ना, 67 33 क्या है, ये परसेंटाइल से ही निकाला हुआ है 33। ओके, समझे? जी 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 अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैथमेटिक्स में कैसे कैलकुलेट करते थे सर, क्योंकि हम लोगों ने नहीं किया हुआ इसको, भूल गया मैं तो ये सारी चीजें। देखिएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसको सिलेक्ट किए, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन विद पॉपुलेशन, इसकी जो पॉपुलेशन है उसके भी हाफ पे यहाँ पे डॉट पी,
तो पॉपुलेशन के भी आप ऐसे निकलती है ये रहा। तो उसी तरह से ये फंक्शन है, डेफिनेशन से आप देख सकते हैं। उसके बाद वेरिएंस है, आप वेरिएंस निकाल सकते हैं और वेरिएंस के भी अपने पॉपुलेशन है। ठीक है, वेरिएंस वेरिएंस क्या करेगा? वेरिएंस निकालता है। अच्छा 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 वेरिएंस, जैसे कि इसके अंदर में अगर यहाँ पे देखिए वेर फॉर्मूला जो है हमारा, वेर फॉर्मूला आ गया। तो वेर फॉर्मूला का देखिए क्या करता है, कैलकुलेट द वेरिएंस बेस्ड ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, इग्नोर द लॉजिकल वैल्यू, मतलब ट्रू फॉल्स और टैक्स को इग्नोर करता है। ठीक है, ओके ओके। तो हम यहाँ पे वेरिएंस लिया इसको, तो देखिए इसने वेरिएंस निकाल दिया। यहाँ पे एक और आता है वेरिएशन बिटवीन पॉपुलेशंस, पी हम लिया, इसको सिलेक्ट किया, देखिए आ गया। तो अलग अलग कैलकुलेशंस के बाद क्या होता है, समझ गए? चलिए, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो कि मैथमेटिकल्स टाइप के हैं, जैसे कि जैसे कि यहाँ पे आपका बीटा डिस्ट्रिक्ट रहता है। मुझे इस फॉर्मूले पर मैंने रिसर्च किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे काम के फॉर्मूले हैं। अब ची स्क्वायर निकालना, ची स्क्वायर इन्वर्स करना, अब ये सब का मैथमेटिक्स खास कर मुझे भी पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, इसको आगे नहीं पढ़ाता मैं। फिर भी आप, मैंने इसके सारे डेफिनेशन वगैरह डाले हुए हैं सारे फॉर्मूले के, आप एक बार देख लें और आप बना सके, अपना इसलिए जगह छोड़ी हुई है कि आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी जो फॉर्मूले बना सकता था मैंने बना के आपको दे दिया। इसके अलावा सारे फॉर्मूले के लिस्ट भी मैंने दिया हुआ, क्योंकि स्टैटिकल के अंदर देखें तो 106 फॉर्मूले हैं सब, लेकिन बहुत मोस्टली फॉर्मूले काम के नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। ओके ठीक है, तो आप इसकी कीजिए प्रैक्टिस,